वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्पीशीज द अवेकनिंग को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को निकलियन ने डायरेक्ट किया है। ये स्पीशीज सीरीज का चौथा पार्ट है और ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का इसके बाकी के तीन पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है और अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिरांडा हॉलैंडर होता है। वो कॉलेज की सबसे यंग प्रोफेसर होती है और वो किसी भी बुक को सिर्फ टच करके ही पूरा पढ़ लेती है, वो भी बिना बुक ओपन किए। वहीं इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक आम लड़की नहीं है। मिरांडा अपने अंकल टॉम हॉलैंडर के साथ रहती है और वही टॉम एक म्यूजियम में काम करते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है मिरांडा के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और बचपन से ही उसे टॉम ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वही रात मिरांडा अपने अंकल को बताती है कि वो एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है और वो थोड़ी देर बाद चली जाती है। इसके अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग पार्क में जॉगिंग कर रहा होता है। तभी उस आदमी को एक लड़की बेहोश अवस्था में मिलती है और ये कोई और नहीं बल्कि मिरांडा ही होती है। उधर टॉम मिरांडा को जब ढूंढते हैं तो वो घर पर उन्हें नहीं मिलती। उधर हॉस्पिटल में मिरांडा को दिखाया जाता है। वहीं डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि इस लड़की के पास ना कोई आईडी है और ना ही शरीर पर कपड़े, जिस्म पर अजीब से दाग भी हैं और एक आदमी को पार्क में मिली थी। वहीं मिरांडा जब हल्के होश में आती है तो उसे सिर्फ ये याद आता है कि वो एक लड़के के साथ कार में थी। वहीं डॉक्टर उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम मिरांडा हॉलैंडर बताती है। उधर हॉस्पिटल से टॉम को कॉल आता है कि मिरांडा हॉलैंडर नाम की एक लड़की हमारे हॉस्पिटल में है। वहीं टॉम फौरन उस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर मिरांडा के एक्सरे रिपोर्ट्स को चेक करता है तो वो दूसरे डॉक्टर को बताता है कि ये एक्सरे रिपोर्ट किसी इंसान का नहीं है और खून के सैंपल भी सही नहीं है। वही दूसरा डॉक्टर बोलता है कि ये रिपोर्ट्स इसी लड़की के हैं। तभी डॉक्टर उसे फिर से एक्सरे करने को बोलते हैं। वहीं जब डॉक्टर दोबारा मिरांडा का एक्सरे करता है तभी अचानक से मिरांडा को होश आ जाता है और वो एलियन फॉर्म में आकर उस डॉक्टर को जान से मार देती है। वहीं मिरांडा कुछ और लोगों को भी जान से मार देती है। बाकी के लोग वहां से डरकर भागने लगते हैं। तभी टॉम भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और मिरांडा को ढूंढने लगते हैं। उन्हें कई लोगों की लाशें दिखती हैं और साथ में मिरांडा भी बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसका शरीर नॉर्मल होने लगता है और वो होश में आ जाती है। तभी टॉम उसे वहां से ले जाते हैं। वही टॉम मिरांडा के साथ मेक्सिको रवाना हो जाते हैं। तभी मिरांडा टॉम से पूछती है कि ये मुझे क्या हो रहा है, क्या हॉस्पिटल में जो लोग मरे हैं क्या वो मैंने किया है। तभी टॉम उसे कहते हैं कि तुम ही ने उन्हें मारा है और नहीं भी। तभी मिरांडा कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं, जिस पर टॉम उसे बताते हैं कि तुम बीमार हो। तभी मिरांडा बोलती है कि ऐसे में तो मुझे डॉक्टर के पास होना चाहिए, जिस पर टॉम उसे बोलते हैं कि वो लोग तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। हम मेक्सिको जा रहे हैं एक फॉर्ब्स नाम के आदमी से मिलने। वो मेरा पुराना साथी है यूनिवर्सिटी का, मैं उसका प्रोफेसर था। हालांकि कभी कभी मुझे लगता था कि वो मुझे सिखा रहा है। वो बहुत काबिल था। मैं उससे कई सालों से नहीं मिला क्योंकि मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, पर सिर्फ वही एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम रहा। वो मिरांडा को बताते हैं कि मैं पहले पुरातत्व विशेषज्ञ नहीं था, फॉर्ब्स और मैंने तुम्हें बनाया है, वो भी हमारे लैब में। तुम हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मैंने ये राज तुमसे छिपाए रखा क्योंकि मैं तुम्हें एक आम जिंदगी देना चाहता था। वो बताते हैं कि हमारे पास कुछ डीएनए सैंपल्स भेजे गए थे किसी दूसरे ग्रह से। हमने वो डीएनए इंसानी जीन्स के साथ मिलाया और एक नई जिंदगी को रचने की कोशिश की, पर यह मुझे सही नहीं लगा इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे इसलिए मैं तुम्हें लेकर आ गया था। मैंने तुम्हें एक आम इंसान की तरह अच्छी से अच्छी परवरिश दी है। वही मिरांडा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। वही टॉम मिरांडा से माफी मांगते हैं
वही रास्ते में वो एक होटल में रुकते हैं। वही बाथरूम में जब मिरांडा अपने बॉडी को देखती है तो उसकी बॉडी में अजीब से निशान बने होते हैं। तभी टॉम उसे इंजेक्शन लगाते हैं। वही मिरांडा के पूछने पर ये क्या है, वो उसे बताते हैं कि ये ह्यूमन हार्मोन्स है और ये सालों से मैं तुम्हें नींद में देता रहा हूँ, सिर्फ साल में 2 या 3 बार, ताकि तुम इंसान बनी रहो, किसी दूसरे ग्रह की प्राणी ना बन जाओ। लेकिन जब से तुम बीमार हुई हो इसका तुम पर कुछ खास असर नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, ये कोई रिएक्शन या रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे ठीक कर सकूंगा, सिर्फ वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वहीं वो मैक्सिको के एक होटल में पहुंचते हैं जहां वो रुकते हैं। वहीं टॉम मैनेजर से पूछते हैं कि मुझे एक अमरीकी आर्मी की तलाश है जिसका नाम फॉस मैगवायर है। वहीं वो मैनेजर बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं पता करके आपको बता सकता हूँ। वहीं पास ही हम एक बूढ़े आदमी को बैठे देखते हैं जो फॉर्ब्स का नाम सुनते ही टॉम की तरफ देखने लगता है। वहीं अगली सुबह टॉम फॉर्ब्स को ढूंढने निकलते हैं। वहीं जाने से पहले वो मिरांडा को कहते हैं कि तुम आराम करो और मैंने सिरिंज में हार्मोन्स भर दिए हैं, अगर शरीर पर तुम्हारे दाग पड़े तो उसे ले लेना। और वो ऐसा बोल फॉर्ब्स को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं टॉम जब लोगों से फॉर्ब्स के बारे में पूछ रहे होते हैं तो हम एक नन को देखते हैं जो टॉम का पीछा करती है। तभी हमें पता चलता है कि वो नन एक एलियन है, मतलब एक हाफ ब्रीड जो टॉम पर हमला करती है। लेकिन तभी पुलिस की कार वहां आ जाती है जिसके डर से वो टॉम को छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उन्हें वही आदमी मिलता है जो उनकी बातें होटल में सुन रहा था। वो टॉम को बोलता है कि फॉल्स नाम के आदमी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो टॉम को बताता है कि आज रात होटल के पास वाले चौक पर चले जाएं, वहां एक टैक्सी खड़ी होगी, उस टैक्सी के लाइट चलने तक वहीं रुकें और फिर आगे बढ़े और पिछली सीट में जाकर बैठ जाएं। आपको जो भी काम होगा फॉर्ब से उसे कागज में लिखकर उसे दे दें। टॉम ऐसा ही करते हैं। तभी हम उस टैक्सी के पीछे उसी हाइब्रिड लड़की को देखते हैं जिसने सुबह टॉम पर हमला किया था। वहीं वो ड्राइवर टॉम को एक जगह लेकर जाता है और जब टॉम उससे पूछते हैं कि क्या फॉर्ब्स यही रहता है, वो ड्राइवर एक एलियन में बदल जाता है और टॉम पर हमला करने लगता है। वहीं टॉम उसे कार से टक्कर मार देते हैं और उसे जलाकर मार देते हैं। वहीं जब टॉम वापस होटल आते हैं तो वो उस आदमी के रूम पे जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। तभी वो आदमी उन पर गन तान देता है। तभी वहां मिरांडा आ जाती है और अपने एलियन फॉर्म में आने लगती है। वो आदमी मिरांडा को देखकर डर जाता है और उन्हें फॉर्ब्स का पता बता देता है। वहीं वो दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं, उन्हें वहां फॉर्ब्स मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि वो नन जिसने टॉम पर हमला किया था वो फॉर्ब्स की ही एक एक्सपेरिमेंट है और उसका नाम अजूरा है और वो टॉम के सारे काम करती है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि फॉर्ब्स लोगों के मरे हुए पेट्स और उनके रिश्तेदारों को एलियन और इंसानी डीएनए से मिलाकर उन्हें वापस से नई जिंदगी दे देता है। लेकिन वो हाफ ब्रीड होते हैं, एक तरीके से उनके हमशक्ल, और वो इससे ढेर सारे पैसे भी कमाता है। वही टॉम फॉर्ब्स को बताते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट ने मुझ पर हमला किया था। तभी अचानक से मिरांडा बेहोश हो जाती है और फॉर्ब्स पूछता है इसे क्या हुआ, जिस पर टॉम उसे बताते हैं कि ये बीमार है और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टॉम फॉर्ब्स से पूछते हैं कि इसे क्या बीमारी है, जिस पर फॉर्ब्स उसे बताता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, इसकी जिंदगी खत्म हो रही है। तभी टॉम उससे कहते हैं कि ये तो अभी जवान है, लेकिन फॉर्ब्स कहता है कि ये अमर नहीं है, इसकी जीवन रेखा समाप्त हो रही है और शायद आज या कल में ये कभी भी मर सकती है। तभी टॉम पूछते हैं कि क्या इसे बचाया नहीं जा सकता, जिस पर फॉर्ब्स उन्हें बताता है कि इसे बचाया जा सकता है लेकिन इसके लिए किसी और को मानना पड़ेगा। तभी मिरांडा उन्हें मना करती है कि मैं किसी कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तभी फॉर्ब्स मिरांडा को समझाता है और कहता है कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी, यहाँ किसी को भी किसी की कोई परवाह नहीं, तुम सिर्फ ऐसा सोचो कि ये शारीरिक रूपांतरण है, तुम्हारे अंदर पूरी तरह से नए स्वच्छ सेल्स डाल दिए जाएंगे, तुम्हारे जिंदा रहने का यही एक तरीका है। तभी मिरांडा कहती है कि ये गलत है। तभी फॉर्ब्स उसे समझाता है कि ये शहर कमीनों से भरा पड़ा है,
यहाँ झूठे चोर मक्कार है सब। यहाँ उनमें से किसी भी एक को खत्म कर हम दुनिया पर एहसान ही तो करेंगे। लेकिन मिरांडा उन्हें मना कर देती है और वो वापस से होटल चले जाते हैं। वही होटल में मिरांडा की हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी टॉम वापस उसे फोर्ब्स के पास ले आते हैं। तभी फोर्ब्स कहता है कि हमें इसे तुरंत दवाई देनी होगी इससे पहले कि पूरी तरह से एलियन बने, क्योंकि जिंदगी से लड़ते वक्त उनका एलियन रूप पूरी तरह से उभर कर आता है और वो उसे इंजेक्शन देता है और मिरांडा वापस से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फोर्ब्स कहता है कि हमें जल्दी इसमें इंसानी डीएनए डालना होगा, नहीं तो हम इसे खो देंगे। वो टॉम को कहता है कि कोई डीएनए वाला ढूंढ कर लाओ और याद रहे मुझे औरत चाहिए, वो भी जिंदा। टॉम समझ नहीं पाते कि वो कैसे किसी को लाए। तभी टॉम एक क्लब में जाते हैं और उनकी नजर एक प्रोस्टिट्यूट पर जाती है और वो उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। तभी वो उन्हें कन दिखाकर लूटने लगती है। तभी वहां एकदम से अजूर आ जाती है और उसे एक पंच मार बेहोश कर देती है और टॉम को जल्दी से यहाँ से चलने को बोलती है। वो लोग उसे फोर्ब्स के लैब में ले जाते हैं और उस लड़की और मिरांडा को एक ककून में रखते हैं। वहीं फोर्ब्स उन्हें बताता है कि पहले हम इस लड़की के शरीर में एलियन डीएनए को डालने वाले हैं और सबसे मुश्किल काम स्टेम सेल्स को उनके बढ़ने वाले हिस्से में सही वक्त पर डालना, जहां से ये और बढ़ सके। वहीं सेल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और ककून के अंदर उनकी बॉडी शेक होने लगती है और एक ककून फाड़ मिरांडा बाहर आ जाती है। वहीं मिरांडा पूरी तरह से सही हो जाती है। तभी टॉम उसे एक बुक देते हैं, लेकिन वो बुक को फेंक देती है और अजीब सा व्यवहार करती है। वो टॉम को ही सेड्यूस करने लगती है। यहाँ प्रोस्टिट्यूट के डीएनए की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो उस औरत की तरह ही बिहेव करने लगती है। वहीं मिरांडा कहीं चली जाती है और जब टॉम उसे ढूंढते हैं तो वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने कहीं जाने लगते हैं। तभी फोर्ब्स कहता है कि तुम ऐसे मत जाओ, वो अब खतरनाक है। वो टॉम को हाइड्रोक्लोराइड एसिड वाला इंजेक्शन देता है और बोलता है कि इससे वो मरेगी नहीं, लेकिन हाँ शान जरूर हो जाएगी। तभी टॉम कहते हैं कि सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है, मैं सिर्फ उसे ढूंढूंगा और यहाँ लेकर आऊंगा और उसमें सही हार्मोन्स डालूंगा और पहले की तरह बना दूंगा। तभी फोर्ब्स कहता है कि इन जीवों को कम मत समझो, अब वो इंसान नहीं है, अब एलियन बन चुकी है, वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहेगी, उसे मार दो वरना 2 हफ्तों में पूरा शहर एलियन से भर जाएगा। टॉम कहते हैं वो 5 है, मैंने पहले ही ये बंदोबस्त कर दिया था। तभी फोर्ब्स कहता है अब वो बदल चुकी है और नए सेल्स की वजह से कुछ भी कर सकती है, उसे मानना होगा, अब वो इंसान नहीं रही। टॉम गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उधर मिरांडा वापस उस होटल में जाती है और वहां के मैनेजर को सेड्यूस करती है। अपने सेंस से समझ जाती है कि ये भी एक हाफ ब्रीड है, लेकिन उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए मिरांडा उसे जान से मार देती है। वही टॉम मिरांडा को ढूंढते हुए एक चर्च चले जाते हैं। तभी वहां अजूरा आती है और एक फादर को जान से मार देती है। वही अजूरा टॉम पर भी हमला कर देती है। टॉम एक क्रॉस की रस्सी काट देते हैं जिससे क्रॉस अजूरा के सिर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उधर मिरांडा एक क्लब में जाती है और वहां एक लड़की से उसका ड्रेस मांगती है और उसका ड्रेस पहन वो क्लब में जाती है और एक आदमी को जान से मार देती है। ये देख वहां के लोग डर कर भागने लगते हैं। तभी वहां बॉस भी पहुंचता है और भागते लोगों से पूछता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि क्लब में एक मॉन्स्टर ने हमला किया है। वहीं फोर्ब्स मिरांडा को ढूंढता है और उसे मिरांडा मिल जाती है। फोर्ब्स मिरांडा को बताता है कि उसने ही मैनेजर को बनाया था, वरना तुम अभी तक प्रेग्नेंट हो जाती। तभी मिरांडा उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी फोर्ब्स हाइड्रोक्लोराइड एसिड वाला इंजेक्शन उसे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस इंजेक्शन को फेंक देती है और फोर्ब्स के साथ इंटीमेट होने लगती है और धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। तभी वो फोर्ब्स को जान से मार देती है। उधर चर्च में अजूरा वापस होश में आ जाती है। उधर टॉम मिरांडा को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें फोर्ब्स की लाश मिलती है। तभी उन्हें वहां मिरांडा भी मिलती है जो बेहोश होती है। तभी वो देखते हैं कि मिरांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है
और वो उसे वापस से फॉर्ब्स के लैब ले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिरांडा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो टॉम से कहती है कि मुझे मार दो ताकि ये सब खत्म हो सके, मुझे मरना ही होगा। तभी अचानक से वहां लाइट चली जाती है और अजूरा वहां आती है और टॉम पर हमला करती है। तभी मिरांडा में भी बदलाव शुरू हो जाता है और जैसे ही अजूरा टॉम को मारने वाली होती है तभी वहां मिरांडा आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अजूरा मिरांडा को जान से मार देती है। तभी उसे टॉम गन से शूट करते हैं और अजूरा की भी मौत हो जाती है। टॉम मिरांडा को देख बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम सही थी मिरांडा। वहीं डॉक्टर वहां रखे सारे गैस टैंक को रिलीज कर देते हैं और गैस बर्नर को ऑन कर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है। टॉम बड़े दुखी मन से उसे देखते हैं और वहां से चले जाते हैं और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्पीशीज सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी भी सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें रिकमेंड करें, हम जल्दी उसे एक्सप्लेन करेंगे। वहीं अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। गुड बाय।